सुबह सुबह का टाइम है हार्वेस्टिंग का, और हार्वेस्टिंग की शुरुआत करते हैं खीरे से। तो सबसे पहले मैं इसी को हार्वेस्ट करूंगी। तो देखो इसे मैं तोड़ लूं, नीचे से उठाना पड़ेगा, एक हाथ में कैमरा है। काफ़ी हेल्दी खीरा है। और अब दिखाई दे रहे हैं मुझे ये लाल लाल टमाटर, तो ये जितने दिन मिल जाए उतने ही बढ़िया। तो बहुत अच्छे से मिल रहे हैं फिलहाल मुझे, मैं सभी तोड़ लूँगी। कुछ यहाँ भी हैं, और ये देखो ये काफ़ी हेल्दी टमाटर हैं, क्योंकि इन्हें बहुत बड़े पॉट में लगाया गया था, तो जितना बड़ा पॉट उतने हेल्दी टमाटर। ये जमीन में पड़े हुए हैं तो ये भी सही है। अभी कुछ ये भी है, लगभग 2 महीने हो गए हैं मैं मार्केट से टमाटर नहीं खरीद रही हूँ, और लगभग 1 महीना शायद और भी ना खरीदूँ। ये सब बहुत टेस्ट भी अच्छा। और अब दूसरे पॉट से भी लूँ, और इस पॉट में भी देखो पकने लगे हैं, ये बच गए हैं धूप से। तो मैं थोड़े से पीले वाले भी ले लूँगी, यहाँ बहुत तेज़ धूप आती है, ज़्यादा देर तक धूप में इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। और ये कुछ येलो टमाटर छोटे रह गए हैं, काफ़ी तेज़ धूप में पौधा है ये, फिलहाल सुबह तोड़ रही हूँ तो इतनी धूप है नहीं। ये छोटे टमाटर हैं ना, इनका टेस्ट बिल्कुल अलग है। ये देखो खीरे और टोकरी टमाटर की काफ़ी ज़्यादा है ये, और मुझे हार्वेस्ट करनी है ये 2 मोरिंगा की फलियाँ भी, क्योंकि सांभर बनानी है। तो देखो भाई आज क्या क्या हार्वेस्टिंग की मैंने, 2 मोरिंगा की फलियाँ, ये काफ़ी अच्छा हेल्दी खीरा, और टमाटर तो आप देख ही रहे हैं कई दिन का काम चलेगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।